1939 में आज एक दिन मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन का जन्म हुआ था। पंचम दा के नाम से मशहूर आर डी बर्मन बॉलीवुड के 100 सालों में सबसे मशहूर संगीतकार थे। पंचम दा जब 9 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी पहली धुन बनाई। इस धुन को फिल्म फंटूश के गाने ए मेरी टोपी पलट के आ में इनके पिता ने इस्तेमाल किया था। इन्हें संगीत के प्रयोगवादी धुनें बनाने के लिए जाना जाता था। इनकी धुनों में पश्चिमी संगीत का भारतीय संगीत के साथ संगम होता है। इनके ज्यादातर गाने आशा भोसले और किशोर कुमार गाते थे। इन गानों ने आशा और किशोर को खूब ख्याति दिलाई। फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना पंचम दा ने खुद गाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। आज एक दिन 1957 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट से धूम्रपान और कैंसर के बीच संबंध पता चला था। इस रिपोर्ट के मुताबिक धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यह रिपोर्ट 25 वर्षों के शोध पर आधारित थी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ने के पीछे मुख्य वजह धूम्रपान थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1945 में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हर 10 लाख लोगों में 188 की मौत हो जाती थी, लेकिन 10 वर्षों बाद यह आंकड़ा करीब दोगुना हो गया था। रिपोर्ट में 6 देशों के 21 जगहों से सैंपल लिए गए और पाया गया कि कैंसर के फैलने की वजह धूम्रपान है। फेफड़ों के कैंसर से सालाना 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। 1964 में आज ही के दिन एथलीट पीटी उषा का जन्म हुआ था। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को विद्यालय का प्रतिनिधि चुना गया। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कही जाने वाली पीटी उषा भारतीय खेल कूद में 1979 से हैं। 1982 के एशियाड खेलों में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय स्तर पर उषा ने कई बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने के साथ 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में भी 4th स्थान प्राप्त किया था। यह गौरव पाने वाली उषा भारत की पहली महिला धाविका हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। 1984 में इन्हें पद्मश्री और अर्जुन सम्मान से नवाजा गया। 1991 में आज एक दिन स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटे बाद ही यहां युगोस्लाविया की सेना दाखिल हो गई। युगोस्लाव सेना ने इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी से जुड़ती सीमा को पार करके चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया और राजधानी लुब्लियाना के हवाई अड्डे पर हमला बोल दिया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। आज एक दिन 2008 में पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का निधन हुआ था। इनके नेतृत्व में भारत ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। सैम भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अपने 40 साल के सैनिक जीवन में इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भी भाग लिया था। सैम को देश में अहम योगदान के लिए 1972 में पद्म विभूषण और 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया।